क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन पढ़ते जाइए और समझते जाइए। शो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम, ग्रेटेस्ट वॉल्यूम किसका, सिलेंडर का, यानी हमको मैक्सिमा मिनिमा के लिए इसका फॉर्मूला यूज करना है, इस वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है सिलेंडर के। विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट एच, हाइट इन्होंने कोन की हाइट दे रखी है, बस जनरली हम बड़ा फिगर है तो बड़ा एच लेते हैं, लेकिन उन्होंने मेंशन कर दिया कि कोन की हाइट एच है, तो हम इसकी रेडियस भी स्मॉल आर मान ले रहे हैं। सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा, सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा दे रखा है, इन्होंने जो चीजें दे रखी हैं वो एच दे रखा है, अल्फा दे रखा है, इज वन थर्ड ऑफ कोन, समझिए कह रहा है कि शो दैट द हाइट ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की हाइट हमने एच मानी है, कैपिटल एच इज वन थर्ड द हाइट ऑफ कोन, ये बोल रहा है, ये शो करना है कि ऐसा होगा तो वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। क्वेश्चन देखिए समझ में आया, शो दैट द हाइट ऑफ सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट एच एंड सेमी वर्टिकल एंगल इज वन थर्ड ऑफ दैट कोन, इस कोन की हाइट का वन थर्ड है। द ग्रेटेस्ट वॉल्यूम, और ये भी दिखाना है कि जो वॉल्यूम आएगा वो इतना आएगा, ठीक है, वॉल्यूम तो फॉर्मूले में रख देंगे। तो क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन पढ़िए अच्छे से, कि आप इसमें एक मिनट दे देंगे वो ज्यादा अच्छा है। अब हमको मैक्सिमाइज करना है, किसका वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना है, हमको वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना है किसका भैया, सिलेंडर का, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है अभी बता था, पढ़ा था मैं पाई आर स्क्वायर एच, कैपिटल क्यों ले रहे हैं क्योंकि सिलेंडर के बारे में कुछ दिया नहीं था, इनकी हाइट स्मॉल एच दे रखी थी तो हमने इनको भी कैपिटल ले लिया, नहीं दी होती तो इसको कैपिटल लेते, बड़ा फिगर था, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए दो चीजें वेरिएबल है, सिलेंडर तो हमको बनाना है ना, जब हम सिलेंडर बनाना शुरू करेंगे किस हाइट का लेंगे किस रेडियस का लेंगे तो ये वेरी कर रहे हैं, दोनों वेरिएबल है, एच भी वेरिएबल है आर भी वेरिएबल है, अब आप पे डिपेंड करता है, कभी भी मैक्सिमम क्वेश्चन दो वेरिएबल में नहीं सॉल्व करने, किसी भी एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर लीजिए, या तो आप आर को एच में बदल दीजिए या एच को आर में बदल दीजिए, वो इसी रिलेशन से पता चलेगा, एक तो अल्फा दे रखा है कैपिटल एच दे रखा है, हमें अल्फा से पता चला कि ट्राइंगल जो छोटा वाला ट्राइंगल है, ट्राइंगल क्योंकि हम ये अलग कर रहे हैं, चाहे तो आप इसके नीचे कर सकते हैं, ट्राइंगल ए एफ सी को देखिए जरा, ए एफ सी ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है इसमें अगर आप टैन अल्फा निकालोगे तो टैन अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर में कैपिटल आर है और बेस में ए एफ है, ए एफ AF है क्या, AF एक्चुअल में ये पूरी कैपिटल हाइट में से अगर हम ये वाले सिलेंडर की हाइट निकाल देंगे तो ये बच जाएगा, यानी AF कितना है आपका, AF है सिलेंडर की हाइट, कोन की हाइट में से सिलेंडर की हाइट निकाल देंगे, कोन की हाइट में से सिलेंडर की हाइट निकाल देंगे तो बच जाएगा, यानी R की वैल्यू आ रही, AF कितना है एच माइनस कैपिटल एच इंटू टैन अल्फा, ये इक्वेशन बन बन गई, आर आप यहां रख दो आके तो भाई साहब हमारा एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि अल्फा तो गिवन है ना हमको और अल्फा कांस्टेंट है, वर्टिकल एंगल दे रखा है, हमने क्या कहा कि दो वेरिएबल है किसी एक को एलिमिनेट करिए, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। तो जब वॉल्यूम हमें पता चल गया, वॉल्यूम कितना हो गया पाई, आर की वैल्यू क्या है, ये एक कैपिटल एच एज इट इज, इसका स्क्वायर कर दोगे तो एच माइनस कैपिटल एच का स्क्वायर हो जाएगा इंटू टैन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, समझ में आ रहा है, देखिए एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे दो वेरिएबल थे अभी तो सिर्फ एक बचा ना कैपिटल एच, ये गिवन है एच गिवन है, ये कैपिटल एच नहीं पता, ये वैरी कर रहा है, जिस हाइट का बनाएंगे उसी हाइट का सिलेंडर बनेगा। अब हमको क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट कर देना है, तो हम जरा होल स्क्वायर भी ओपन कर लें और कॉन्स्टेंट अलग कर लें, हमारे पास कॉन्स्टेंट पाई है और टैन स्क्वायर अल्फा है, बचा क्या एच टाइम्स, ये है एच स्क्वायर प्लस कैपिटल एच का स्क्वायर माइनस टू एच कैपिटल एच, ये होल स्क्वायर ओपन कर दिया, वरना चेन रूल लगाना पड़ता है, एच से मल्टीप्लाई भी करा दो तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट था पाई टेन स्क्वायर अल्फा, प्रोडक्ट रूल लगाने से भी बचना है तो इस एच से भी मल्टीप्लाई करा दे, तो वैल्यू आ रही है एच स्क्वायर इंटू कैपिटल एच प्लस कैपिटल एच का क्यूब
माइनस टू एच एच स्क्वायर, कोई दिक्कत है ये? इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू जो वेरिएबल बच रहा है, एच हमने बचाया तो एच के रिस्पेक्ट में, आर बचाते तो आर के रिस्पेक्ट में करते, तो ये हो जाएगा डी वी बाई डी एच, वही पूरा कॉन्सेप्ट लग रहा है जो हमने बताया था। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो भाई पूरा पूरा कॉन्स्टेंट है, पाई टेन स्क्वायर एच नहीं भाई साहब, यहाँ पे अल्फा है, अल्फा टेन स्क्वायर अल्फा ही कॉन्स्टेंट चल रहा है, ये जो वैल्यू बच रही है इसमें स्मॉल एच भी कॉन्स्टेंट है, ध्यान ये फिक्स है, कौन तो एक फिक्स है, उसके अंदर हमको किस हाइट का काट है कि हमको ये एच इस एच के रिस्पेक्ट में करें, तो एच का वन हो जाएगा तो बचेगा एच स्क्वायर, ये हो जाएगा थ्री टाइम्स एच स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का फोर टाइम्स स्मॉल एच कैपिटल एच, ठीक है। अब हम इसको क्या रखते हैं, मैक्सिमम मिनिमम के लिए रखते हैं, डी वी बाई डी एच को जीरो, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं, तो हमें पता है ये चीज तो जीरो नहीं होगी, ये तो फिक्स है, ये कॉन्स्टेंट है, ये चीज जीरो हो जाएगी, यानी कि एच स्क्वायर प्लस थ्री एच स्क्वायर माइनस फोर एच कैपिटल एच जीरो रखते हैं। यहां से हमें कैपिटल एच निकालना है, ठीक है, कैपिटल एच की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है थ्री एच स्क्वायर माइनस फोर स्मॉल एच इंटू कैपिटल एच प्लस एच स्क्वायर, ये जीरो, कैपिटल एच की वैल्यू निकालनी, तो अब ये इसकी क्वाड्रेटिक फैक्टर हो गए, तो ये फैक्टर कितने हो रहे हैं, थ्री एच स्क्वायर, थ्री बार है इसके फैक्टर करने, तो माइनस थ्री एच एच माइनस एच एच, देखिए इनको ऐड करेंगे माइनस फोर, इनको मल्टीप्लाई कराएंगे तो प्लस का थ्री एच आ जाएगा, और प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, थ्री कैपिटल एच कॉमन ले लेंगे तो वैल्यू क्या बनेगी, एच माइनस थ्री एच, थ्री कॉमन ले लिया तो सिर्फ एच बचेगा, और यहां से माइनस का स्मॉल एच कॉमन आ जाएगा तो वैल्यू बचेगी एच माइनस का एच इक्वल टू जीरो, एच माइनस एच कॉमन आ जाएगा तो वैल्यू बचेगी थ्री कैपिटल एच माइनस एच इज इक्वल टू जीरो, ये कैलकुलेशन यार और कुछ नहीं, इसके लिए हम ये क्वेश्चन इरेज कर दे रहे हैं, चाहे तो आप आगे पीछे करके नोट कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन में देखिए आगे क्या हो रहा है कि ये फैक्टर तो जीरो नहीं हो सकता, मुझे पता है कि एच माइनस एच कैन नॉट बी जीरो, रीजन क्या है आप अगर नहीं समझ पा रहे अभी हम बता रहे, ये जीरो होगा, आप कितनी भी हाइट का सिलेंडर काट लोगे इसके अंदर, लेकिन कभी भी इस हाइट के बराबर का सिलेंडर नहीं काट सकते भाई, इसके बराबर काटने के लिए तो सिलेंडर ही नहीं बनेगा, एक लाइन कर सकती पतली सी बस, सिलेंडर के लिए तो रेडियस भी चाहिए होता है ना, तो अगर आप इस हाइट के बराबर का सिलेंडर तो काट ही नहीं सकते, तो ये दोनों हाइट कभी बराबर नहीं हो सकती, तो ये जीरो हो जाएगा, यानी यहां से हमें पता चला कैपिटल एच की वैल्यू आएगी, ये देखिए यही प्रूफ करना, लेकिन ये मैक्सिमम कैसे होगा, इन्होंने कहा ग्रेटेस्ट वॉल्यूम का, उसके लिए हमको इसका डबल डेरिवेटिव भी निकालना पड़ेगा, और उसमें ये वैल्यू रखने पे ये निगेटिव आना चाहिए, ये शो करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा। तो ये पाई आर स्क्वायर एच, आपको एरिया पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है बी इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है सिलेंडर का एरिया। तो अभी क्या करना है हमें, इसको डबल डिफरेंशिएट करना है इस वाली इक्वेशन को जो आई थी हमारी, तो डी टू वी अपॉन में डी एच स्क्वायर कितना आ जाएगा, पाई टैन स्क्वायर अल्फा कॉन्स्टेंट था, यहाँ पे क्या बच रहा है, ये तो कॉन्स्टेंट है, जीरो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम कैपिटल एच के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ये तो फिक्स है, इसकी वैल्यू हो जाएगी सिक्स टाइम्स एच माइनस का फोर टाइम्स स्मॉल, इसका तो वन हो जाएगा, ये कॉन्स्टेंट है। अब एच की वैल्यू जैसे ही यहां पे रखोगे आगे एच बाई थ्री, तो सिक्स इंटू एच बाई थ्री माइनस फोर एच, ये थ्री टू, तो टू एच में से माइनस टू एच बचेगा, कैसा आ रहा है वैल्यू, निगेटिव, मीन्स इस एच के लिए डबल डेरिवेटिव निगेटिव है, मतलब ये प्रूव हो गया कि इस एच के लिए वॉल्यूम कैसा है, मैक्सिमम है, समझ में आ रहा है, बस यही प्रूव करना था यार, यहाँ पे क्या करना था, शो दैट द हाइट इज वन बाई थर्ड ऑफ द सिलेंडर की हाइट, तो ये हमने प्रूफ कर दिया, सिलेंडर की हाइट वन थर्ड आ गई, कौन की हाइट की, अब आप इसकी हाइट का वन थर्ड हाइट वाला अगर सिलेंडर काटोगे तो बन जाएगा मैक्सिमम वॉल्यूम। अब वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम के लिए आपको बस इस फॉर्मूले में आके
एच की वैल्यू पुट कर देनी है और कुछ नहीं करना है। इस वैल्यू, इस फॉर्मूले में आप एच की वैल्यू रखोगे तो क्या आ जाएगा, देख लीजिए जरा। पाई एच की जगह क्या रखना है, पाई इंटू एच की जगह एच बाई थ्री, यहां पे रखोगे एच माइनस एच बाई थ्री का होल स्क्वायर है इंटू टेन स्क्वायर एल। देखिए इस वॉल्यूम में ये एच रख दीजिए आगे, जैसे आप रखोगे तो ये h बाई थ्री हो गया, यहाँ h बाई थ्री, अब ये हो जाएगा 2h बाई थ्री, उसका स्क्वायर हो जाएगा 4h बाई नाइन, नाइन का मल्टीप्लाई करा दोगे 27 हो जाएगा, जो हमको प्रूफ करना था 4 बाई 27। भाई देखिए एचसीएम लेंगे, 2 का स्क्वायर 4 और 9 और 3 27, h स्क्वायर h क्यूब हो जाएगा और tan स्क्वायर l का तो है ये पाई ऑलरेडी, ये वॉल्यूम आ जाएगा। तो क्वेश्चन देखिए किस तरीके से आता है, इसी टाइप से क्वेश्चन आते हैं। इसमें हो सकता है कि स्फीयर के अंदर सिलेंडर बनवा लेंगे, तो आप फॉर्मूले पता होना चाहिए। और दूसरी चीज, अगर दो वेरिएबल में आ रहा है ना, जो बना रहा है यहाँ पे खुद ही बताएगा किसका क्या चीज मैक्सिमाइज करना है, वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना है, सरफेस एरिया मैक्सिमाइज करना है या एरिया मैक्सिमाइज करना है, उस चीज का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं जिस चीज को बना रहा है। और उसी चीज में हम दो वेरिएबल है तो किसी एक में इक्वेशन निकाल लेते हैं, फिर डिफ्रेंशिएट करके आगे की कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है। Okay.